हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इन द क्लास ऑफ यूपीएससी सीसेट। टुडे वी विल डिस्कस कैलेंडर। कैलेंडर आपको पता है कि सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर बार एक से दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 के अंदर भी दो क्वेश्चन आपके कैलेंडर के अंदर से आए हुए थे। तो पहले अभी उन 2021 के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी और उसके बाद में कैलेंडर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेम टाइप के हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले उससे पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि ऑर्डिनरी ईयर, जैसे कि सभी को पता है कि 365 डेज होते हैं। अगर 365 डेज हैं ऑर्डिनरी ईयर में, दैट मीन्स व्हाट, कि आपके पास में अगर हम इसको देखें तो 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए और वन डे रह जाता है। हमेशा कोई भी ईयर है या मंथ है या फिर आपके पास में नंबर ऑफ डेज गिवन है, तो कैलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो कैलेंडर के अंदर बेटा नंबर ऑफ ऑड डेज इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ ऑड डेज इम्पोर्टेंट है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज में, अब अगर नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करें, दैट मीन्स कि कोई भी एक नंबर गिवन, उसको अगर 7 से आप डिवाइड करते हो, क्योंकि वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। अब 7 से जब आप उसको डिवाइड करते हो तो जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, दैट इज ऑड डे। ओके, तो इसी तरह से अगर हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो ऑर्डिनरी ईयर में हो गए आपके 365 डेज, तो इसमें 52 तो वीक कंप्लीट हो गए, एक बच गया, दैट इज ओड डे। तो हम अगर ईयर की बात करें तो A1 ईयर के अंदर क्या होता है, 1 ओड डे होता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर लीप ईयर है, दैट मींस 366 डेज हो गए ईयर के अंदर। जब 366 डेज हैं तो 366 डेज के अंदर से 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए, 52 वीक्स कंप्लीट है और 2 डेज पेंडिंग है, जो 2 डेज रिमाइंडर बच रहा है, दैट इज ओड डे। तो अगर आपके पास में ईयर्स के अंदर ओड डेज आपको फाइंड आउट करने हैं, तो देखना कि जब एक साल की बात हो रही है तो उस केस के अंदर हम 1 ओड डे लेंगे, ठीक है, अगर ऑर्डिनरी ईयर है। अगर लीप ईयर है, इन दैट केस नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो जाएंगे, 2। ओके, इसके बाद एक बम कंसेप्ट देखें कि पूरे 100 के 100 ईयर्स अगर ले हम, तो 1 ईयर के अंदर बेटा 1 ओड डे, ठीक है। अब 100 ईयर्स के अंदर कुछ लीप ईयर्स होंगे, कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, तो जो लीप ईयर्स हैं तो कह रहे कि 24 लीप ईयर्स हो जाएंगी 100 के अंदर से 24 लीप ईयर्स हो जाएंगी और आपके पास में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स है। 76 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। ओके, तो अब इसमें अगर हम देखें ऑर्डिनरी ईयर तो कितने हो गए, नंबर ऑफ ओड डे 76 × 1, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 ओड डे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की, तो 24 के अंदर ओड डेज कितने हो गए, 24 × 2, दैट मींस कि 48। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो 124 ओड डेज आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 124 ओड डेज। अब 124 है तो अब इसको अगर हम आगे फर्दर देखें तो अगेन 7 से आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 17 तो कंप्लीट वीक हो गए और 5 डेज बच गए, जो 5 डेज है दैट आर ओड डेज। दैट मीन्स कि 100 ईयर्स के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो गए आपके पास में, 5, क्लियर। अब 200 की अगर हम बात करें तो 5 × 10, 10 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बच गया आपके पास में 3, दैट मीन्स कि 200 के अंदर 3 ओड डेज। अगर 3 ईयर्स की बात करें तो कितने हो गए, 5 × 3 = 15, 15 को अगर 7 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर बचेगा, दैट मीन्स कि 1 ओड डे, ठीक है। जब बात करते हैं हम 400 ईयर्स की, तो 400 ईयर्स के अंदर 1 आपके पास में, अगर वैसे आप देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ जी ये हो गया आपके पास में 5 ओड डेज 100 में, तो 4 के अंदर कितने हो गए आपके पास में, 4 के अंदर हो गए 20, तो 20 के हिसाब से आपके पास में नंबर ऑफ ओड डेज तो 6 आने चाहिए। बट बेटा एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि जो आपके पास सेंचुरीज हैं, कौन सी सेंचुरी है, 400, ठीक है, 800, 1200, 1600, 2000, ओके, तो ये जो सेंचुरीज हैं, तो इन सेंचुरीज के अंदर क्या है, ये और क्या होते हैं, खुद से एक लीप ईयर होता है, दैट मींस कि ये आपके पास में 1 लीप ईयर वो वाला ऐड हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ ओड डेज हो गए वो कितने हो गए, 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 0, दैट मींस कि इनमें कितने हो गए, नंबर ऑफ ओड डेज 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ ओड डेज के अंदर। अब हम अगर मंथ की बात करें तो मंथ का भी सभी को पता है कि भी जनवरी के अंदर 31 डेज, फेब के अंदर 28, 29,
ठीक है, बाकी के अंदर जितने भी 30-31 लीप ईयर के अंदर स्पेशली ध्यान रखना है, जो लीप ईयर है उसमें 29 डेज होंगे, जो ऑर्डिनरी ईयर है उसमें फेब के अंदर 28 डेज होंगे। ओके, तो जब ओड डेज की हम बात करेंगे तो सीधा सा 7 से डिवाइड करोगे आप, तो जैन के अंदर कितने होंगे, 31 / 7, साचो के 28, 3 रिमाइंडर बच गया आपके पास, तो ये क्या हो गया आपके पास में ओड डेज। इसी तरह से जिस मंथ के अंदर 31 डेज हो गए उसके नंबर ऑफ ओड डेज हो गए 3, जिसके अंदर 28 डेज हैं नंबर ऑफ ओड डेज 0, 29 के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज 1, और जिस मंथ के अंदर आपके 30 डेज हैं उसके अंदर नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो गए, 2। ओके, ये था एक छोटा सा कंसेप्ट, इसके ऊपर आपका सारे का सारा कैलेंडर बेस्ड है, ठीक है ना। तो अगर समझ नहीं आया है तो एक बार दोबारा से बैग जाके दोबारा से चेक कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट डाउन कर लो। उसके बाद कैलेंडर पे जैसा मर्जी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि जैसा मर्जी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कैलेंडर पे कर लोगे आप लोग, डेफिनेटली कर लोगे मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो बात करते हैं हम क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है बेटा यूपीएससी सी से 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन, कह रहा है कि कंसिडर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स गिवन है और एक क्वेश्चन गिवन है, अब बताओ कि इन दोनों में से कौन सी सफिशियंट है टू गिव द आंसर। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे जब भी आप डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन देखते हो तो उससे पहले एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देना था सामने कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, उसके बाद स्टेटमेंट्स को रीड करो। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, What day is 14th of the given month? जो given month है उसका 14th day क्या है, ये आपको find out करना है। Okay? अब first statement क्या है कि the last day of the month is Wednesday. Last day क्या है? Wednesday. अब भाई last day Wednesday है, इससे मुझे ये तो नहीं पता चल रहा कि उस month के अंदर number of days कितने हैं, या तो मैं वहां से find out कर लूं, ठीक है ना, number of days कितने है? ये नहीं पता चल रहा, ना ही कोई पर्टिकुलर डेट को डे गिवन है, दैट मींस कि हम यहां से फाइंड आउट नहीं कर सकते कि आपके पास 14th डे पे क्या डे रहेगा, 14th डे क्या रहेगा हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, अब उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे, थर्ड सैटरडे क्या है, 17th डे। अब यहां से देखो 17th डे है थर्ड सैटरडे, 17th डे को क्या है सैटरडे, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने बेटा फाइंड आउट करना है कि 14th डे कौन सा है, 14th डे कौन सा है। बैक चलो अब यहां से 17 16 15 एंड 14 सैटरडे फ्राइडे थर्सडे एंड वेडनेसडे, तो मुझे क्या पता चल रहा है यहां से कि भी वेडनेसडे होगा, क्या होगा वेडनेसडे होगा, दैट मींस व्हाट कि यहां से जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, सेकेंड स्टेटमेंट ओनली इज सफिशियंट टू गिव द आंसर, आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। अब बताओ मुश्किल क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल ही सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपके कैलेंडर के कंसेप्ट क्लियर ना भी हो तो भी आप इसको कर लोगे, तब भी आप इसको कर लोगे, है ना, इजी क्वेश्चन था बेटा। देखो मैं बार बार आपको जितने भी क्लासेज होती है मैं यही कहती हूँ, सी सेट के अंदर टफ क्वेश्चन नहीं आते, टफ क्वेश्चन नहीं आते, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल स्टेबल होके पेपर करना है, पेपर के अंदर माइंड को बिल्कुल स्टेबल करके फिर पेपर करना है, सो दैट कि लॉजिकली आप प्रॉपरली आपका हर एक जो क्वेश्चन है उसको देख सको, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच डे इज 10th October 2027, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना लॉजिकल और सिंपल आया हुआ था एग्जाम के अंदर, कि आपके पास में आपको पता होना चाहिए कि जो सीसेट 2021 का एग्जाम था वो कब था, कब था एग्जाम, 10th अक्टूबर को ही था, बट इसका मीनिंग ये था कि भाई 10th अक्टूबर 2021 का डेट तो आपको पता है, इसका तो आपको पता था बिकॉज उस दिन तो एग्जाम था, और एग्जाम था और उस दिन क्या था संडे था, संडे को एग्जाम था ना, तो कितना लॉजिकल क्वेश्चन आया है कि भाई इस दिन संडे है, संडे। अब आपको बताना है कि 10th October 2027 को क्या डे होगा, को क्या डे होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपने क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जब डेट हमारे पास में सेम हो, जब भी आपके पास कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है दैट मींस कि इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेट सेम है मींस इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना, ठीक है, अक्टूबर मंथ सेम है दैट मींस अगेन हमने कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना,
सिर्फ फर्क किस में आ रहा है, ईयर के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ईयर के अंदर। अब देखो क्या है, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 7 को नहीं लेना, जिस ईयर के बारे में पूछ रखा उसको नहीं लेना आपने, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि जिस मंथ, जिस ईयर के अंदर आपका ऑर्डिनरी ईयर है तो उसका ओड डे क्या होगा, 1 होगा, और जो लीप ईयर है उसका 2 होगा। तो अब यहाँ पे देखो 21 कैसी है, ऑर्डिनरी 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 लीप ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी, कितने हो गए नंबर ऑफ ओड डेज। हाँ जी, लीप कौन सा है, ये है लीप के अंदर बेटा 2, लीप के अंदर 2 ऑर्डिनरी डेज, ठीक है। 1, 2, 3 2, 5, 6, 7 दैट मीन्स कि ओड डेज कितने हो गए आपके पास, 7। और हमें फाइनली क्या करना होता है, उसको 7 से डिवाइड करना होता है। जब 7 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे अपने पास में रिमाइंडर जो है वो कितना बच रहा है, 0। दैट मीन्स कि 0 ओड डेज आ गए, क्या आ गया आपके पास में, 0 ओड डेज आ गए, ठीक है। जब 0 ओड डेज है दैट मीन्स कि 0 मीन्स हो गया आपके पास में 0 ही ऐड करना है, जो डे है वही रहेगा। दैट मीन्स संडे का क्या रहेगा, संडे, ओके, संडे का क्या रहेगा, संडे ही रहेगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था, ओके। तो अब इसके लिए यहां तो चलो हमें फिर भी डे ध्यान देना पड़ा, बट जिस दिन एग्जाम था देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन था, उसी दिन की डेट पूछी हुई थी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने एग्जाम के अंदर अलर्ट रहना है, जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझना है। अब इसी का अगर मैं दूसरा मेथड बताती हूँ आपको, ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसी तरह से कोई और भी डेट आ सकती है एग्जाम के अंदर जिसका आपको डे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए बेटा करना क्या है, देखो ध्यान से, आपके पास जब भी कोई डेट गिवन होती है तो उसमें एक तो डे होता है, ठीक है, उसके बाद मंथ होता है आपके पास में, और उसके बाद क्या होता है, ईयर गिवन होता है, क्या गिवन होता है, ईयर गिवन होता है। ध्यान से समझ लो, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो अब जब आपके पास में डेट है तो वो तो डेट के लिए, तो अपने पास में पर्टिकुलर जो डेट है उसके लिए तो नंबर ऑफ डेज ओड डेज कितने रहेंगे, उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में नंबर ऑफ ओड डेज कितने आ गए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मंथ की, मंथ और ईयर की, ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं मंथ की तो मंथ के अंदर देखो सबसे पहले आएगा जैन, जैन नंबर ऑफ ओड डेज कितने, 31 डेज होते हैं, 31 डेज, दैट मींस कि 3 ओड डेज, 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, ठीक है। इसके बाद फेब, अब क्या है, 27 ऑर्डिनरी ईयर है, दैट मींस कि नंबर ऑफ ओड डेज 0, ठीक है, नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो गए, 0। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर को नहीं लेना आपने, सितंबर तक कंसिडर करना है, ओके। टोटल करो कितना हो गया, टोटल करो कितना हो गया, ये हो गया 3, 3, 6, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15 15 और 6 हो गए बेटा 21, ठीक है, 21 हो गए। 21 दैट मीन्स कि इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में कितना हो गया, 0, ठीक है, कितना हो गया आपके पास में, 0। अब बात करते हैं 27 की, 27 ईयर क्या गिवन है अपने पास में, 2027। अब भाई मैंने आपको बताया जो 2000 है सेंचुरी, 2000 के अंदर कितने नंबर ऑफ ओड डेज, 0, कितना आ गया बेटा, 2000 प्लस 27, इसके अंदर नंबर ऑफ ओड डेज 0। अब 27 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देखो 4, 6, 24 6 तो आपके हो गए लीप ईयर, ठीक है, बच के अब यहाँ पे भी 27 नहीं लेना आपको, 27 से पहले वाला ईयर लेना है, दैट मीन्स कि 26, क्योंकि 26 तक ही कंप्लीट हुए, 7 के तो हम बाकी के कंसीडर कर ही रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बात करें 26 की तो उस केस के अंदर क्या लोगे, यहाँ पे 6 लीप ईयर हो गए, ठीक है, बच गए कितने आपके पास में, 20 ऑर्डिनरी ईयर्स। अब 6 लीप ईयर के और डेज 12, ठीक है, और 20 के ऑर्डिनरी के 20, कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी दिस विल बी 34। 34 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 के 28, एक मिनट बेटा, ये हो गया आपके पास में 6 से, 6 से हो गया आपके पास में 12,
ठीक है, और 20 से हो गया बेटा 20, तो ये हो गया 32, ठीक है। 7 चौके 28, 28 दैट मींस कि ऑर्डिनरी, एक मिनट, हाँ जी, और डेज कितने आ गए आपके पास में, 4 और डेज आ गए। कितने और डेज आ गए बेटा, 4 और डेज आ गए, ठीक है। अब 4 ये हो गए, अगर हम टोटल देखें तो कितना बन रहा है आपके पास, 14, 14 को जब 7 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा आपके पास में, अगेन रिमाइंडर इज 0, दैट मींस कि 0 और डेज, 0 और डेज मींस संडे, हमेशा ध्यान रखो 0 इज फॉर संडे, 1 इज फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, इस तरह से चलेगा। तो क्या आ गया आपके पास में, संडे। तो दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, हाँ जी, समझ आ रहा है सभी को? अगर समझ आ रहा है कुछ तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी जो न्यू यूजर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे सो दैट कि जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इट वॉज संडे ऑन 1st Jan 2006, देन व्हाट इज द डे ऑफ द वीक ऑन 1st Jan 2010। अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसके लिए लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको कुछ भी राइट डाउन नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2010 को आपने फाइंड आउट करना है एंड दिस इज संडे। तो देखिए डे सेम है, मंथ सेम है, दैट मींस कि इसके बारे में कुछ नहीं सोचना आपने, जब भी कंपेयर करना कुछ नहीं देखना। अब ध्यान जो देना वो किस पे देना, ओनली ईयर पे, ईयर पे भी कौन कौन सा ईयर है, 2006, 7, 8 एंड 9, 10 को कंसीडर नहीं करना, जो ईयर चल रहा है जिसमें पूछा गया दैट मींस कि वो तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ दैट मींस कि उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। तो अपने पास में देखो, ये आप देखो बेटा, ये हो गया आपके पास में और डेज, अगर हम देखें ऑर्डिनरी ईयर है 2006 इज ऑर्डिनरी ईयर, दैट मींस 1, 7 इज ऑर्डिनरी ईयर, दिस इज लीप ईयर एंड दिस इज ऑर्डिनरी ईयर, ओके। तो नंबर ऑफ और डेज कितने हो गए आपके पास, 5, संडे में ऐड कर दीजिए 5 को, क्या आ गया आपके पास में, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, दैट मींस योर आंसर विल बी फ्राइडे, फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, अगर कोई भी डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे सभी, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 10th May 1997 वाज मंडे, देन व्हाट इज द डे ऑन 10th October 2001 को क्या होगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास में कंपेयर करना है, जब आपको कंपेयर करना है उस केस में आप क्या करोगे, क्या कह रहे हैं, दिस इज मंडे, ओके, एंड व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट, 10th October 2001, ओके। अब यहाँ पे डे सेम है, दैट मींस कि डे का नहीं देख, अगर डे डिफरेंट होते तो क्या करते हैं हम, डे की डे जो डिफरेंस है वो ले लेते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे बेटा ये दोनों का सेम है, दैट मींस का कुछ नहीं करना, मई से अक्टूबर अगर हम देखें मंथ के अंदर, हाँ जी बेटा क्या लोगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर को कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या आ गया, हाँ जी आपके पास में मार्च, अप्रैल, मई, मई दैट मीन्स 31 डेज, दैट मीन्स की 3 और डेज, ओके, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर, कितना हो गया बेटा, 3, 3, 6, 9, 9 और 4, 13, 7 से हमने देखा नंबर ऑफ फोर डेज कितने बच गए आपके पास में, हाँ जी नंबर ऑफ फोर डेज आ गए बेटा आपके पास 6, क्लियर। अब ईयर की बात करते हैं, ईयर, ईयर के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या लेंगे, 97, 8, 99 एंड 2000, 2001 को कंसीडर नहीं करोगे। अब देखो 97 ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर दैट मींस नंबर ऑफ ऑड डेज 1, 98 ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एंड लीप, ओके, कितना हो गया ये आपके पास में, 3 और 2, 5, ठीक है,
दैट मींस कि 5 अगर हम टोटल ओड डेज की बात करें तो टोटल ओड डेज कितने हो गए? हाँ जी, टोटल ओड डेज कितने हो गए? 6 ये बेटा और 5 ये, दैट मींस 11। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास में? 4, दैट मींस 4 ओड डेज। क्या करोगे? 4 ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे मंडे के अंदर। जब आप 4 ऐड करोगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, दैट मींस कि क्या आ जाएगा आपके पास? फ्राइडे। सो योर आंसर विल बी फ्राइडे। डन? कोई डाउट? क्लियर? ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, अब कोई भी पर्टिकुलर डेट भी एग्जाम के अंदर आ सकते, कोई भी पर्टिकुलर डेट एग्जाम में आ जाते कई बार। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द, व्हाट वाज द डे ऑन 15th अगस्त 1947 को क्या डेट रहेगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास में क्या है, 15th अगस्त 1947। कैसे डिवाइड करोगे? डे, मंथ एंड ईयर। डे, मंथ एंड ईयर। अब डे अगर हम देखें तो कितने हैं? 15, ठीक है। अगस्त, जैन से लेके अगस्त तक अगर हम नंबर ऑफ ओड डेज काउंट करें तो कितने होंगे? हाँ जी, अगर हम बेटा मंथ की बात कर रहे हैं, हाँ जी, क्या लोगे बेटा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त को नहीं लेना है आपने, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास में? जनवरी 3, फेब 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के 3। नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12। 12 और 4 हो गए बेटा अपने पास में, 12 और 4 हो गए 16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 7 × 2 = 14, नंबर ऑफ ओड डेज रह गए 2। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं ईयर की, अब ईयर में क्या करें, 1947 है, दैट मींस कि मैंने अभी क्या बताया था, 47 को नहीं लेना, 46 तक कंसीडर करोगे। 1946 लो, दैट मींस 1900। अब 1900 के लिए तो ओड डेज कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको भी फर्दर डिवाइड कर लो। कैसे? 1600 + 300। कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी किसी को? बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम, 1900 तो हो गया, अब उसके बाद 46। अब इसके अंदर नंबर ऑफ ओड डेज कितने? 0। अभी मैंने सेंचुरीज आपको बताई थी, 400, 800, 1200, 1600, 2000, सभी में 0 ओड डेज, ओके। अब अगर हम 300 की बात करें तो 300 में कितना था? 100 में 5 ओड डेज, 100 ईयर्स के अंदर 5 ओड डेज, 200 ईयर्स के अंदर 3 ओड डेज, 300 ईयर्स के अंदर 1 ओड डे, और 400 के अंदर 0। तो कितना आ गया यहाँ पे? अब बात करते हैं 46 की। 46 के अंदर हमने क्या करना है, लीप और नॉन लीप ईयर चेक कर लो। लीप ईयर कितने हो गए यहाँ पे अपने पास में? 11 हो गए, 4 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर लीप ईयर, ओके। और अगर हम ईयर्स की बात करें तो ईयर्स कितने रह गए बेटा? 35 रह गए ऑर्डिनरी, दीज आर लीप ईयर एंड दीज आर ऑर्डिनरी ईयर्स, ओके। अब लीप ईयर के कितने? 22, लीप ईयर में 2 ओड डेज, और ऑर्डिनरी के 35। कितने हो गए ये आपके पास में? हाँ जी, 23, ये हो गया 8 और 5, 58। 7 से डिवाइड करोगे, 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 7 × 8 = 56, दैट मींस कि 2 ओड डेज। ये क्या ले रहे हैं हम बेटा? जो रिमाइंडर बच रहा है 7 से डिवाइड करने के बाद में, ओके, 2 ओड डेज। अब देखो ये था 15 के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज अगर हम देखें तो अगेन इसको भी आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओड डे। 15 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 7 × 2 = 14, 1 बच गया, ठीक है। 7 × 2 = 14, 1 इज द रिमाइंडर। मंथ का अपना ओड डेज कितना था? 2। ईयर का अपना ओड डेज कितना था बेटा? 2। दैट मींस कि टोटल 5 ओड डेज। 5 ओड डेज, 0 मींस संडे, 1 मींस मंडे, दैट मींस कि 5 मींस फ्राइडे। सो योर आंसर विल बी फ्राइडे, ओके।
क्लियर है सभी को? कोई इसमें डाउट आ रहा हो? किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द कैलेंडर फॉर द ईयर 1993 विल बी सेम फॉर 1993 का कैलेंडर कौन से कैलेंडर के साथ में सेम रहेगा? तो देखो बेटा, जिस ईयर पे जाके नंबर ऑफ ऑड डे जीरो हो जाएगा उसी का सेम रहेगा, ठीक है? कैसे? अब यहाँ पे 93 से कंसीडर करो, 93, 94, 95 बढ़ाते चलो आगे तक, ठीक है? थोड़ा सा लिख लेते हैं, ओके अब देखो 93 दैट मींस की ऑर्डिनरी ईयर, नंबर ऑफ ऑड डेज 1, नंबर ऑफ ऑड डेज 1, नंबर ऑफ ऑड डेज 1, नंबर ऑफ ऑड डेज 2, नंबर ऑफ ऑड डेज 1, ओके। तो यहां पे आपके पास में साथ साथ में काउंट भी करते चलना है, कितना हो गया 1 2 3 3 3 5 6 7 होते ही नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 0, ठीक है? नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? टोटल करा जब हमने इसका कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। इन सभी का टोटल कितना हो गया? 7। दैट मींस की ऑड डेज कितने हो गए हमारे पास में? 0। जैसे ही मिलता है ऑड डेज 0, दैट मींस की उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, उसका कैलेंडर सेम रहेगा। उसका कैलेंडर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे 1999 का कैलेंडर सेम रहेगा किसके? 1993 वाले के, ओके। अगर नहीं होता है जैसे यहाँ पे, तो उसके बाद और आगे ऐसे ही बढ़ाई जाओ, 1 to 1 to ऐड करना है सिर्फ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट ऑफ जुलाई 2004 डिड मंडे फॉल? मंडे कब आएगा? अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई 1 जुलाई को चेक कर लो पहले, अगर 1 जुलाई 2004 को हम कंसीडर करें तो उसमें देखो कि मेरा क्या डे आ रहा है, तो उसके बाद जो भी आएगा डे मंडे आएगा, तो वो फर्स्ट मंडे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मंडे कब आएगा? 7 हम ऐड कर देंगे, 7 हम ऐड कर देंगे। वैसे तो देखो अब यहाँ पे आप ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते हो, जिसके बीच में 7 का डिफरेंस है ना, वही आंसर रहेगा। इसमें 7 का डिफरेंस है? नहीं। इसमें 7 का डिफरेंस है? नहीं। इसमें 7 का डिफरेंस है? नहीं। दैट मीन्स दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। अदरवाइज क्या कर लेंगे हम? इस डेट को फाइंड आउट कर लेंगे। इसको फाइंड आउट करना है सभी ने। अभी मैंने आपको मेथड्स बताया ना, 1 जुलाई 2004 को क्या पड़ेगा? 1 जुलाई डे 1, ठीक है? जुलाई के अंदर जून तक ले लोगे आप, और यहाँ पे आपके पास में 2003 तक, ओनली 3 डेज ही आ जाएंगे, ठीक है? तो 1 जुलाई का जल्दी से फाइंड आउट करेंगे सभी, सभी वीडियो को पॉज करके एक बार फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 जुलाई का बेटा आएगा ही आपका थर्सडे। क्या आएगा आपके पास में? थर्सडे आएगा। अब 1 जुलाई को थर्सडे है तो मंडे कब पड़ेगा? फर्स्ट को है थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, दैट मींस 2, 3, 4 एंड 5, दैट मींस 5 जुलाई को क्या आएगा आपके पास? मंडे। 5th को मंडे, आफ्टर 7 डेज मंडे, 7 डेज मंडे, 7 डेज मंडे, दैट मींस आंसर क्या आ गया? डी, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टुडे इज सैटरडे, इफ टुडे इज सैटरडे, हाँ सैटरडे है नहीं वैसे एक्चुअल में, बट ये कह रहा है कि इफ टुडे इज सैटरडे, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, देन व्हाट विल बी द डे 350 डेज फ्रॉम टुमारो, आज से 350 दिन के बाद में कौन सा दिन रहेगा? तो बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, दैट मींस कि बहुत इजी क्वेश्चन आ गया ये तो, ठीक है? इजी क्वेश्चन आ गया, क्या करेंगे उस केस के अंदर? हाँ जी, क्या करेंगे? जो भी नंबर ऑफ डेज गिवन है उसको 7 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है? जब 7 से डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर चेक कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा? जो रिमाइंडर आएगा उसको इस डे के अंदर ऐड कर देंगे, ओके? अब जैसे यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। सैटरडे के अंदर 0 ऐड करेंगे, सैटरडे ही रहेगा, आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। अब यहीं पे अगर आ जाता आपके पास में 351 डेज, फिर क्या हो जाता? 351 को अगर हम 7 से डिवाइड करते, रिमाइंडर बचता 1 ऐड कर दे, सैटरडे संडे, तो संडे आ जाता, सिंपल। हाँ जी बेटा, कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी, सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कैलेंडर के अंदर दिक्कत आ रही है या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो अभी बेटा ज़्यादा टाइम नहीं है। सबसे पहला काम क्या है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करो कि मेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे वीक एरियाज क्या हैं, मेरे वीक एरियाज क्या हैं, उनको फाइंड आउट कर लो आप, ठीक है? जो भी आपके वीक एरियाज है उनको कंप्लीट करो, ठीक है? उसको फुलफिल करना है सभी ने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को प्रिपेयर कर लो,
रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, रीजनिंग उठा लो, इंग्लिश में आ रही है इंग्लिश ले लो, ठीक है। बट बेटा अगर सी सेट के लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आप क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से कर सकते हो तो उस केस के अंदर आपका सी सेट सिर्फ इसके बेस पे भी क्वालिफाई हो सकता है। डन, तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिलेबस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, यू विल गो फॉर मॉड्यूल कोर्सेज। किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। कंप्लीट चाहिए, देन गो फॉर द कंप्लीट कोर्स। और टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, सभी को पता है कि टेस्ट सीरीज से हमें पता चलता है कि कितनी तैयारी है हमारी अभी तक। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।